है ना. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप ये करते हैं तो यू आर लेटिंग गो. ब्रेथ एंड लाइफ इज वन, ब्रेथ एंड यू आर वन. एज एन एक्टर ऑल्सो ब्रेथ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप जब नर्वस महसूस करना चाहें तो आप एक्शन बोलने से पहले कैमरा के पीछे से जब आप आते हैं तो अपनी ब्रेथ बढ़ा के आते हैं, क्योंकि आपको नर्वसनेस या आपको एक्साइटमेंट या आपको फियर शो करना है. तो ब्रेथ इतना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और जो ब्रेथ का एक्टिवेशन आपको योगा सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता. एंड आई फर्मली बिलीव, समरी हैड टोल्ड मी दिस वेरी रिसेंटली, कि आप बैठ के ब्रीथ कर रहे हो ना, आप योगा कर रहे हो, आप योग कर रहे हो. तो योगा इज़ नॉट जस्ट वन क्लास, आप योगा के क्लास की जो चीज़ें हैं वो योगा की क्लास के बाद पूरा दिन पूरी रात लोगों के साथ अपने कॉन्डक्ट में, अपनी डीलिंग्स में, सब उस हर चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दैट इज ट्रू योगा आई थिंक फॉर मी. हम बात करें योगा की, तो जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी आए हैं काफी अवेयरनेस हो गई है योगा जी, बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत इनकरेजमेंट मिल रही है योगा को, लोगों को योगा करने के लिए. लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से. यू नो, एट दिस एज ही इज फिट, ही इज ऑलवेज ऑन द गो. इफ यू थिंक दैट ही हैज अ बहुत कंफर्टेबल स्केड्यूल, तो एक बहुत ही आई बिलीव बहुत हार्ड वर्किंग ऑन हिज टोज रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे. और सुबह उठ के अगर आप देखेंगे, उनका रिसेंट एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अपना एक पाथ बनाया हुआ है वॉकिंग के लिए, जिसमें वो पांच एलिमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर द वॉक एज अ बेस. आई थिंक इट्स सेज सो मच व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, दैट यू नो टेक टू ऑल दिस, बिकॉज ये हमारी ही प्रॉपर्टी है और यहीं से वेस्ट में गई है. You know, it's not the other way around. People in the West, internationally, globally, have taken to yoga, and they understand and know that the origination of yoga happened India se. So, I think bahut inspiring hai. For men, it's very inspiring, kyunki main chahti hu ki men folk ye samjhe ki yoga is not just for women. I think for your true fitness, you must do yoga. Aap incorporate kijiye, jo aap kar rahe hain, wo bhi kijiye. लेकिन योगा को डेफिनेटली आधा घंटा दीजिए, चार पोज कर लीजिए, स्टार्ट, जस्ट मेक अ स्टार्ट. एंड आई प्रॉमिस यू, जो उस अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करेगा कि हम योगा क्यों कर रहे हैं, जब वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी तो आप योगा कंटिन्यूसली करेंगे. ऑनेस्टली मेरे लिए अभी ये एडिक्शन बन गई है. इट्स रियली एडिक्टिव कि मैं योगा कर लूँ. कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वक्त नहीं है, मैं अपनी ट्रेनर को फ़ोन करती हूँ कि भाई मेरे पास इतने से इतने बजे फ्री है, आ सकते हो. एंड देन लकीली आई मीन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है जब उसने मेरे को बोला और टाइम चेंज कि मेरे पास बीच में एक डेढ़ घंटा है, बीच में बस दो घंटे हैं, क्या हम डेढ़ घंटे की क्लास कर सकते हैं? येस, कर सकते हैं. सो आई एम हैप्पी विद दैट. माई प्रायोरिटी इज बिकम योगा मोर देन एनीथिंग एल्स. इवन दो स्लो प्रोसेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग रहेगा योगा का बेनिफिट आपको. अवेयरनेस की बात करें तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी हो या फिर विपाशा बासु, उनकी जो सीरीज हैं योगा की काफ़ी अवेयरनेस फैलाती हैं, तो आपने भी देखी होंगी, कैसी लगी? अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मैंने कोई योगा सीरीज नहीं देखी है. एक अंदर से आवाज़ आती है व्हेन यू नो दिस इज़ द राइट टाइम. आई थिंक मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मदर रही हैं. उन्होंने, वो 30 साल से योगा कर रही हैं, योगा करती हैं, प्राणायाम करती हैं, रेखी करती हैं, सब कुछ करती हैं. वो सुबह 3:30 बजे उठती हैं. ऑफकोर्स उनका लाइफ स्टाइल अलग है, चंडीगढ़ में रहते हैं मेरे पेरेंट्स, तो दे स्टिल डू अवे विद स्लीपिंग एट 11 o'clock. नहीं तो आप 3:30 बजे कैसे उठ सकते हैं? वो 5 घंटे की नींद, 9-11 भी नहीं, एक्चुअली वो लोग शायद 10 बजे, 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं. वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली. हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल्स, हमारा काम सब इतना अलग है. लाइफ इज सो फास्ट दैट वी कांट डू दैट. लेकिन आप चाहे 5 बजे सुबह नहीं, लेकिन आप कर ज़रूर सकते हैं किसी भी वक्त. सो ऑल्सो ये एक ऐसी चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंटली जहाँ पे आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. आपको किसी, या एक बार आप सीखना शुरू कर लें, ऑफकोर्स आपको इक्विपमेंट की, किसी इंसान की, ना डम्बल्स की, ना मशीन्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट हैव अ मैट, यू कैन डू इट ऑन अ कारपेट इफ नेसेसरी. इफ यू आर ऑन अ हॉलीडे, यू कांट कैरी द मैट, यू विल फाइंड योर प्लेस टू डू योगा. दैट्स ऑल, यू जस्ट नीड स्पेस, वन स्मॉल
place to do yoga. So I think I request people to aaj International Yoga Day hai aur isse behtar kya start ho sakta hai, at least make up your mind and make that start in your mind. Mard, auratein, bachche, mard aur bachche specifically, because men folk have a misconception that yoga is very, you know, it's for the women. So that is a big, big misconception. And number two, that it's better, yeah, make your children have completely open bodies and get them into fitness, yoga kind of fitness. Because gym mein to unhone bade ho ke kar hi lena hai apne aap. Lekin ye ek cheez hai, jab bade ho jate hai na, to thodi aisa lagta hai ki aap boring hai. So ek inculcate karne ki baat hai, ek aadat. And I think ye younger age pe hogi, it's going to be more beneficial when your child grows up. So yeah, so I really think it's a great day to start. Aaj apne dimag mein decide kar lijiye ki aapko aaj nahi to kal haan karna zarur hai. So that will be my wish for you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Same to you.